दोस्तों, अगर आप भी वीरेंद्र सहवाग को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 5 मार्च से शुरू हो गई है। 5 मार्च को पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें बांग्लादेश लीजेंड की टीम ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि पारी की शुरुआत नदीम उद्दीन और जावेद ओमर ने की थी। बांग्लादेश की शुरुआत काफी बेहतर रही और बांग्लादेश की टीम ने पावर प्ले में ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया बिना किसी विकेट को खोए। और बांग्लादेश की इस सलामी जोड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश लीजेंड की टीम एक बड़ा स्कोर बनाने जाती है। 50 रन बनने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया। इस बीच प्रज्ञान ओझा ने बांग्लादेश लीजेंड की टीम को पहला झटका 59 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने जावेद ओमर को स्टंप आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर सके और 19.4 ओवर में 109 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 110 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में सहवाग ने जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआत अपने पुराने अंदाज में की और सभी 2011 के विश्व कप की याद दिला दी। दोस्तों, पहला ओवर बांग्लादेश टीम के कप्तान मोहम्मद रफीक खुद लेकर आए थे, जिसके बाद पहले ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और पहली बॉल पर शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग अपने तेज बल्लेबाजी वाले अंदाज के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और पारी की शुरुआत में अक्सर चौके के साथ ही किया करते हैं, जैसा कि हमने पिछले काफी मैचों में देखा है। इस बीच दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने वही किया जो वो चाहते थे। दूसरी गेंद पर भी रफीक की गेंद पर ऑफ साइड में चौका लगा दिया और अब दो गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग 8 रन बना चुके थे। दोस्तों, दबाव मोहम्मद रफीक के ऊपर था, लेकिन सहवाग तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और तीसरी गेंद पर भी सहवाग ने गेंद का वही हाल किया जो सहवाग अक्सर करते आ रहे थे और भारतीय फैंस भी जो सहवाग से चाहते थे। सहवाग ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया। दोस्तों, ये छक्का इतना लंबा था कि गेंद बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई और एक पल के लिए लगा कि शायद गेंद इतनी दूर न चली जाए कि मिले ही ना, लेकिन गेंद बहुत ही दूर जाकर गिरी, जिसके बाद वो लंबा छक्का हो गया। तीन गेंदों में वीरेंद्र सहवाग ने 14 रन जोड़ लिए और बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। दोस्तों, ओवर की पांचवी गेंद पर भी वीरेंद्र सहवाग ने एक और शानदार चौका लगा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन बनाकर स्ट्राइक भी अपने पास रख लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पारी का पहला ओवर वीरेंद्र सहवाग ने 19 रन के रूप में बदल दिया, जिस वजह से बांग्लादेशी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पुरानी यादों को ताजा कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग ने दूसरे ओवर में भी एक चौका मारकर ये बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। इसके बाद मोहम्मद शरीफ ने वीरेंद्र सहवाग को एक बाउंसर गेंद डाली, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने थर्ड मैन की तरफ से शॉट खेलते हुए इस गेंद को स्टैंड्स में फेंक दिया और ये छक्का हो गया। दोस्तों, सहवाग ने इस मैच में 35 गेंदों पर 5 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 80 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 228.57 का रहा, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 26 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से नाबाद 33 रन की पारी खेली। इंडिया को जीत के लिए 110 रनों का लक्ष्य मिला था और इसे टीम ने 10.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 114 रन बनाकर मैच में शानदार जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, आप सभी वीरेंद्र सहवाग की इस ताबड़तोड़ पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।